हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। तो साथियों, काफ़ी दिन से जो आप लोग लगातार ये हमारी रैली भर्ती कब आएगी, आर्मी भर्ती कब आएगी, हमारी भर्ती टीओडी के तहत होगी या नॉर्मल होगी, हमारे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे, इन्हें ढेर सारी ये जो आपकी उम्मीदें थी, ये उम्मीद कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो उस चीज़ को लेकर के आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। अभी थोड़ी देर में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में CCS यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर सेना भर्ती को ऊपर यानी कि जो वार्ता होगी उस पर सेना भर्ती की हरी झंडी मिल सकती है, उसके ऊपर हरी झंडी पर मोहर लग सकती है। और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद जो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये खुद आकर के तीनों जो हमारे जो भर्ती का प्रोग्राम है इनका, यानी कि जो TOD के तहत भर्ती होगी या कैसे होगी, क्या प्रोग्राम रहेगा, उसको लेकर के ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें पूरी भर्ती की डिटेल्स आप लोगों को बताएंगे। बताया ऐसा भी जा रहा है कि ये जो भर्ती का प्रोग्राम है ये पूरे पिछले हफ्ते ही होने था, लेकिन जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, वो वियतनाम के दौरे पे गए थे, इस वजह से जो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पाई थी। और इसलिए अभी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री जी हैं वहाँ से लौट करके आ गए हैं, तो इसलिए आज बताया जा रहा है कि आज इसके ऊपर एक मीटिंग होगी। और अगर उस पर रिजेंडी लग जाती है, रिजेंडी मिल जाती है, तो उसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी भी समाचार में लगातार अभी जो ED का मामला चल रहा है, जो अपना राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का जो केस लगा है उनके ऊपर, उसी को लगातार दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ सारी जो हो पाएगी नहीं पाएगी, ये भी अभी खतरे में डला हुआ है। लगातार सरकार जो हमारे युवाओं को इस चीज़ की लॉलीपॉप दे रही है कि अभी तब होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन अभी तक भी कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, खुद जो PMO ऑफिस होता है उससे सुबह ही इसका जो एक ट्विटर के जरिए एक मैसेज आया है कि भारत सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देगी। तो उसमें अब ये सेना भी शामिल है या नहीं है, लेकिन उनका दावा ये किया जा रहा है अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और ये ट्वीट PMO ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। और आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी या जो ये CCS मीटिंग के द्वारा जो भी बात होनी है वो उसकी बात है, कई न्यूज़ चैनलों में भी दिखाई गई है कि आज पहले से ये तय था कि आज के दिन, आज यानी कि मंगलवार को ये बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सारा कुछ साफ हो जाएगा, सारा क्लियरेंस मिल जाएगा कि कैसे भर्ती कराई जाएगी। और इसके ऊपर जो TOD के ऊपर आज मोहर लग गई, तो ये सारी चीज़ें आज क्लियरेंस हो जाएगी, क्या क्या कैसे कैसे भर्ती होंगी। और आज ये सारा काम हो जाता है तो अगस्त से इसकी भर्तियां चालू होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, फिलहाल इस समाचार में इतना ही, और जैसे ही कोई न्यूज कहीं से मिलती है तो आपको साथ उसे जरूर साझा करेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।